हाय एवरीवन। तो लास्ट क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था ज्योग्राफी में वाटर रिसोर्सेज, है ना। तो पेज नंबर 26 कंप्लीट कर लिए थे हम लोग यहाँ तक। अब हम लोग को स्टार्ट करना था पेज नंबर 27 से। ये भादो सॉन्ग है, ये भादो सॉन्ग है। पढ़ना उतना इम्पोर्टेंट तो नहीं है, लेकिन फिर भी आप लोग पढ़ लीजिएगा, ठीक है। दामोदर वैली में यही भादो सॉन्ग गाया जाता है। देखिए, अभी तक हमने डैम के बारे में समझा, डैम क्या होता है, उसे मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट क्यों कहते हैं, डैम कितने तरीके का होता है, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ ली है। अब हम लोग पढ़ेंगे क्या क्या क्रिटिसिज्म इसके अगेंस्ट में उठे वो। तो इन रिसेंट ईयर्स मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट्स एंड लार्ज डैम्स हैव कम अंडर ग्रेट स्क्रूटनी एंड अपोजिशन फॉर अ वेराइटी ऑफ रीजन। देखिए, लास्ट कुछ ईयर्स में क्या हुआ ना कि जो डैम्स है, मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट है, इसके अगेंस्ट में बहुत ज़्यादा लोग आ गए, मतलब बहुत ज़्यादा लोग इसका विरोध करने लगे। इसमें भी बहुत सारी खामियां निकली जब इसका स्क्रूटनी किया गया, ठीक है। रेगुलेटिंग एंड डैमिंग ऑफ रिवर अफेक्ट देयर नेचुरल फ्लो, काउजिंग पुअर सेडिमेंट फ्लो एंड एक्सेसिव सेडिमेंटेशन एट द बॉटम ऑफ द रिजर्वॉयर। जब डैम बनता है तो आगे में एक रिजर्वॉयर, पीछे उसके यहाँ पर एक रिजर्वॉयर होता है, मतलब कि इतने बड़े एरिया में पानी जमाते हैं लोग, ठीक है। उसके बाद से फिर डैम से पानी आगे भेजा जाता है। तो क्या होता है कि जो पानी में बहते हुए जो जितना भी सेडिमेंट आता है ना, वो सेडिमेंट जम के रह जाता है नीचे डैम के नीचे वाले हिस्से में। और यहाँ से ऐसे देख सकते हैं, मान लीजिए कि डैम है, ठीक है, इधर से पूरा पानी है, इधर पूरा पानी है, रिजर्वायर है, यहाँ इसका आगे का रास्ता है, यहाँ से आगे बहेगा पानी। तो जितना भी सेडिमेंट आता है वो यहाँ इसके बॉटम में जम जाता है रिजर्वायर के। अब यहाँ गेट इतना ऊपर है डैम का, अब इतना ऊपर उठ के थोड़ी आएगा, तो कुछ कुछ सेडिमेंट्स ही होता है वही आ पाता है, ये सारे सेडिमेंट्स नहीं आ पाता, थोड़ा बहुत आ पाता है। इससे क्या होता है कि आगे जो रिवर है ना, उस रिवर में सेडिमेंट्स का अमाउंट कम हो जाता है, और सेडिमेंट्स वगैरह नहीं रहेगा तो एक्वाटिक लाइफ सर्वाइव कैसे करेगा। एक्वाटिक लाइफ, मछली जितना भी रहता है, वो सब पानी में सेडिमेंट्स वगैरह पर ही तो अपना घर वगैरह बनाता है, है ना, और पेड़ भी तो उसी में होल्ड करके रहता है। तो अगर सेडिमेंट कलेक्ट नहीं होगा तो एक्वाटिक लाइफ कैसे सही होगा। और डैम क्या करता है, नेचुरल फ्लो को तोड़ देता है, रिजल्टिंग इन रॉकियर स्ट्रीम बेड्स एंड पुअर हैबिट्स फॉर द रिवर्स एक्वाटिक लाइफ। डैम्स ऑल्सो फ्रेगमेंट द रिवर्स, मेकिंग इट डिफ़िकल्ट फॉर एक्वाटिक फाउना टू माइग्रेट। अब देखो, डैम क्या कर दिया, एक रिवर को दूसरे रिवर से अलग कर दिया। अब अलग कर दिया तो अब तो जितना भी एक तरफ जितना भी फाउना है, एक्वाटिक फाउना है, वो माइग्रेट तो नहीं कर पा रहा है, मतलब एक्वाटिक जितना भी एनिमल है, जितनी भी फिश वगैरह है, वो माइग्रेट तो नहीं कर पा रहा है डैम से। डैम की वजह से वो एक ही तरफ रह जा रहा है, दूसरी तरफ नहीं जा पा रहा है। स्पेशली फॉर स्पॉनिंग द रिजर्वॉयर्स दैट आर क्रिएटेड ऑन द फ्लड प्लेन्स ऑल्सो सबमर्ज द एग्जिस्टिंग वेजिटेशन एंड सॉइल, लीडिंग टू इट्स डिकम्पोजिशन ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। अब जो रिजर्वॉयर्स बनाया जाता है फ्लड प्लेन्स के ऊपर, ठीक है, मतलब ऐसा प्लेन जहाँ पर बाढ़ 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 आता हो, तो वहाँ पर जो रिजर्वॉयर बनाया जाता है, वो रिजर्वॉयर क्या करता है, सबसे पहले ये समझो, जो डैम बना रहा है तो डैम बनाने के लिए ज़मीन चाहिए, क्यों, क्योंकि पीछे गड्ढा करना है, है ना, रिजर्वॉयर बनाना है, उसमें पानी रहेगा, तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर जितनी भी वेजिटेशन है, जितने भी कह सकते हो जितने भी पेड़ वगैरह है, उन सबको काटना पड़ेगा, काट के हटाना पड़ेगा, है ना। तो रिजर्वॉयर बनने से क्या होता है कि जो वेजिटेशन है वो भी डूब जाता है, और सॉइल जो है वो भी एक दिन जाकर क्या होता है, डिकम्पोज हो जाता है, मतलब उसी में मिल जाता है, पानी में मिल जाता है, ठीक है। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट एंड लार्ज डैम्स हैव ऑल्सो बीन द काउज ऑफ मेनी न्यू सोशल मूवमेंट्स। मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की वजह से बहुत सारे नए सोशल मूवमेंट भी हुए हैं समाज में, लाइक लोगों ने नर्मदा बचाओ आंदोलन किया, तेरी डैम आंदोलन किया, क्यों, क्योंकि डैम बनाने से पूरा गाँव भी डूब सकता है रिजर्वायर की वजह से, ठीक है, इसलिए। और गलती से कभी डैम का पानी भर गया तो डैम क्या करेगा,
पानी को छोड़ देगा आगे, आगे छोड़ेगा तो पानी बहुत स्पीड में आगे जाएगा, ठीक है, अगल बगल का जितना एरिया रहेगा सबको डुबा देगा, बाहर ला देगा। रेजिस्टेंस टू दीज प्रोजेक्ट्स हैज़ प्राइमरली बीन ड्यू टू द लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटी। और डैम बनाने के लिए ज़मीन चाहिए होता है, ज़मीन के लिए क्या करना पड़ेगा, लोगों को वहाँ से हटाना पड़ेगा, इसके लिए भी लोग रेजिस्ट कर रहे थे, विरोध कर रहे थे। लोकल पीपल ऑफन हैड टू गिव अप देयर लैंड लिवलीहुड एंड देयर मीगर एक्सेस एंड कंट्रोल ओवर रिसोर्सेज फॉर द ग्रेटर गुड ऑफ द नेशन। जो आम लोग होते हैं ना, उनको देश की भलाई के लिए अपना ज़मीन अपने रिसोर्सेज को छोड़ना पड़ता है ताकि वहाँ पर डैम बनाया जा सके। सो इफ़ द लोकल पीपल आर नॉट बेनिफिटिंग फ्रॉम सच प्रोजेक्ट्स देन हु इज़ बेनिफिटेड। तो जब उन लोग को, मतलब उन लोग को तो बेनिफिट नहीं हो रहा है ना लोकल पीपल को, उनको तो अपना खुद घर छोड़कर जाना पड़ रहा है, तो फिर बेनिफिट हो किसको रहा है इस डैम से। तो परहैप्स द लैंड ओनर्स एंड लार्ज फार्मर्स इंडस्ट्रियलिस्ट एंड फ्यू अर्बन सेंटर्स। तो प्रॉफिट हो रहा है लैंड ओनर्स को, लार्ज फार्मर्स को, इंडस्ट्रियलिस्ट को और अर्बन सेंटर्स को। कैसे हो रहा है कि जो डैम बनेगा तो डैम में रिजर्वायर बनेगा, वहाँ से ये लोग क्या करवाएंगे अपने फील्ड में, अपने इंडस्ट्रीज़ में एक चैनल सेटअप करवा देंगे, ठीक है, कि अब यहाँ का पानी हमारे फील्ड में आएगा, हमारे इंडस्ट्री में आएगा, और जितना ज़्यादा पानी इंडस्ट्री में जाएगा उतना ज़्यादा प्रोडक्शन एक्टिविटी तेज़ होगा, अच्छा होगा। तो टेक द केस ऑफ द लैंडलेस इन अ विलेज, डज ही रियली गेन फ्रॉम सच अ प्रोजेक्ट। ये नर्मदा बचाओ आंदोलन, सेव नर्मदा, मतलब नर्मदा बचाओ आंदोलन जो हुआ था ना, मूवमेंट हुआ था, उसके बारे में दिया गया है, उसको इसको एक बार पढ़ लीजिएगा, समझ में आ जाएगा, सिंपल लैंग्वेज में ज़्यादा दिक्कत नहीं होगा। अब देखिए, इरीगेशन हैज़ ऑल्सो चेंज द क्रॉपिंग पैटर्न ऑफ मेनी रीजन्स विथ फार्मर शिफ्टिंग टू वाटर इंटेंसिव एंड कमर्शियल क्रॉप। पहले लोग किस पर डिपेंड रहते थे, पानी के लिए, जब बादल आएगा, बारिश होगा तब फसल होगी, यानी कि पहले मॉनसून पर डिपेंड थे, लेकिन अब वाटर इंटेंसिव एग्रीकल्चर कर रहे हैं, यानी कमर्शियल क्रॉप्स उगा रहे हैं। तो ऐसा क्यों कर रहे हैं, क्योंकि अब तो पानी का कमी है नहीं, रिजर्वायर बना है, उसमें से कनेक्शन ले लिए, अब पानी मेरे को प्रॉपर आ रहा है, ठीक है। दिस हैज़ ग्रेट इकोलॉजिकल कंसिक्वेंसेज लाइक सेलिनाइजेशन ऑफ द सॉइल। अब इसकी वजह से क्या हो रहा है, जितना ज़्यादा पानी लोग यूज़ कर रहे हैं ना एग्रीकल्चर में, उतना ही फर्टिलाइजर्स से पानी मिलता जा रहा है, और मिलते मिलते फर्टिलाइजर्स क्या कर रहा है, सॉइल को सलाइन कर रहा है, मतलब वो वाटर जो है वो सॉइल को क्या कर रहा है, सलाइन कर रहा है। एट द सेम टाइम, सलाइन मतलब नमकीन, ठीक है, खारा कर दे रहा है एकदम ज़मीन को। इट हैज़ ट्रांसफॉर्म्ड द सॉइल सोशल लैंडस्केप। और दूसरी बात क्या है, देखो, इस इधर से रिजर्वायर से कौन कनेक्शन ले सकता है, जो पैसा देने के काबिल हो, जो पैसा देगा वो कनेक्शन ले सकता है। तो पैसा कौन देगा, जिसके पास पैसा रहेगा, यानी कि अमीर, जो गरीब हो वो तो नहीं दे पाएगा। लेकिन जो रिवर था जब, तब क्या था, अमीर हो या गरीब हो सब लोग इधर से कनेक्शन ले लेता था, है ना, क्योंकि पैसा देना नहीं पड़ता था। तो इसके वजह से सोशल गैप भी बढ़ रहा है रिचर और पुअर सेक्शन के बीच। As we can see, the dams did create conflicts between people wanting different uses and benefits from the same water resources. और इसी की वजह से लोगों के बीच लड़ाई भी हो जाता है, सब, क्योंकि सबका अपना अपना यूज़ है पानी से, है ना, तो सबको बेनिफिट भी अलग अलग मिल रहा है, तो इसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा लड़ाई भी हो जाता है। In Gujarat, the Sabarmati Basin farmers were agitated and almost caused a riot over the higher priority given to water supply in urban areas, particularly during droughts. तो क्या हुआ था ना गुजरात में, साबरमती बेसिन में जो फार्मर्स रहते थे, तो वहाँ क्या चल रहा था, वहाँ ड्राउट चल रहा था, ठीक है, और वहाँ की गवर्नमेंट ने क्या कर दिया था कि जो पानी का सप्लाई है, वाटर सप्लाई है, वो शहर में दे दिया था, गांव में नहीं दिया था, शहर में दे दिया था, मतलब गांव में थोड़ा बहुत दिया था, शहर में ज़्यादा दे दिया था। इसके वजह से वहाँ राइट हो गया, मारपीट हो गया, क्यों, क्योंकि लोग बोल रहा है कि सूखा पड़ा हुआ, तो गाँव में भी आपको देना चाहिए पानी उतना ही जितना आप शहर में दे रहे हैं, लेकिन आप शहर में ज़्यादा दे दिए और गांव में कम दे दिए, इसकी वजह से लड़ाई हो गया। उसके बाद से इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स आर आल्सो बिकम कॉमन विथ रिगार्ड टू शेयरिंग कॉस्ट एंड बेनिफिट्स ऑफ द मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट। अब कॉस्ट और बेनिफिट को भी लेकर मारपीट हो रहा है, क्योंकि बनाना है तो उसमें खर्च तो करना पड़ेगा पैसा, तो कौन कितना खर्च करेगा, इस पर लड़ाई हो रहा है। जब बन गया तो उससे बेनिफिट किसको, पैसा किसको किसको मिलेगा, ठीक है, किसको ज़्यादा किसी को कम मिल रहा है, इस पर हो रहा है लड़ाई। समझे मेरी बात को, देखो यहाँ पर सब चीज़ दिया हुआ है कि देखो, जैसे यहाँ भाखरा नंगल डैम है, ये ब्यास रिवर है, तो देखो ब्यास रिवर इधर की तरफ, ब्यास रिवर तुम्हारा इधर की तरफ बहेगा, है ना, यहाँ से तुम्हारा तेहरी डैम है, यहाँ तुम्हारा गंगा नदी इधर बहता है, और नरौरा या इधर बहता है,
सलाल प्रोजेक्ट है यहाँ पर, ठीक है। तो यह सारा बता रहा है डायरेक्शन पानी का और डैम का पोजीशन बता रहा है, कहाँ पे कौन डैम है और वाटर का फ्लो किधर है। मोस्ट ऑफ द ऑब्जेक्शंस टू द प्रोजेक्ट्स अरोज ड्यू टू देयर फेलियर टू अचीव द पर्पस फॉर विच दे वर बिल्ट। देखो डैम क्या है ना, डैम बना तो लेते हैं लोग बहुत सारे बात बोल करके, हम ये करेंगे डैम से, वो करेंगे, इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करेंगे, लेकिन नहीं हो पाता है। तो जब नहीं हो पाता है तो तब उस पर ऑब्जेक्शंस उठते हैं, तब लोग उस पर सवाल उठाना शुरू करते हैं। आयरनिकली द डैम्स दैट वर कंस्ट्रक्टेड टू कंट्रोल फ्लड्स ट्रिगर फ्लड्स ड्यू टू सेडिमेंटेशन इन द रिजर्वायर। अब देखो क्या होता है ना कि जिस डैम को बनाया गया था फ्लड को रोकने के लिए, वही फ्लड का रीज़न बन जाता है। कैसे, यहाँ डैम है, पानी आ रहा था, यहाँ सेडिमेंटेशन जमता गया। जैसे जैसे ज़्यादा ज़्यादा सेडिमेंट जमेगा वैसे वैसे अब यहाँ पानी आना मुश्किल हो जाएगा, तो पानी वैसे वैसे क्या होगा, ऊपर बढ़ जाएगा, बढ़ेगा तो फिर बाढ़, मतलब पानी एक्सेस हो जाएगा, तो इधर से गेट एक बार में खोल दिया जाएगा, पानी हरेले से आगे जाएगा और अगल बगल का जितना होगा सब जगह बाढ़ ला देगा। तो मोर ओवर द बिग डैम्स हैव मोस्टली बीन अनसक्सेसफुल इन कंट्रोलिंग फ्लड्स एट द टाइम ऑफ एक्सेसिव रेनफॉल। कभी कभी बारिश भी बहुत ज़्यादा हो जाती है, ज़्यादा बारिश होने की वजह से पानी बढ़ जाता है तो गेट खोल देता है डैम का और फिर दूसरी तरफ बाढ़ आ जाता है। यू मे हैव सीन और रीड हाउ द रिलीज ऑफ वाटर फ्रॉम डैम्स ड्यूरिंग हेवी रेन्स एग्रीवेटेड द फ्लड सिचुएशन इन महाराष्ट्र। जैसे कि महाराष्ट्र और गुजरात में हुआ था 2006 के टाइम पर, ठीक है, वहाँ पर डैम से पानी रिलीज़ कर दिया गया था जिसके वजह से बहुत ज़्यादा लोगों को प्रॉब्लम का सामना करना पड़ा फ्लड के आने की वजह से, ठीक है। उस टाइम वहाँ पर बारिश बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो बारिश के बढ़ने की वजह से पानी भर गया था डैम का, भर गया था, तो उन्होंने पानी को निकाल दिया, रिलीज़ कर दिया। द फ्लड्स हैव नॉट ओनली डिस्ट्रॉयड लाइफ एंड प्रॉपर्टी बट ऑल्सो कॉज्ड एक्सटेंसिव सॉइल इरोजन। तो जो फ्लड आता है ना तो उससे तुम्हारा सॉइल का इरोजन भी होता है, क्योंकि मिट्टी है ढेर सारा, पानी है एक बार में, ऊपर का जो लेयर था मिट्टी का टॉप सॉइल था उसको लेकर चला गया, जब इंसान को लेकर चला जाता है, घर को ढहा देता है, तो फिर मिट्टी क्या है। सेडिमेंटेशन ऑल्सो मीन दैट द फ्लड प्लेन्स वर डिप्राइव्ड ऑफ सिल्ट अ नेचुरल फर्टिलाइजर्स फर्दर एडिंग ऑन टू द प्रॉब्लम ऑफ लैंड डिग्रेडेशन। अब क्या होता है, सेडिमेंटेशन तो सारा हो जाता है डैम के इधर वाले पार्ट पर ही, इधर तो आता ही नहीं सेडिमेंट्स, तो इससे क्या होता है तुम्हारा ये सिल्ट क्या होता है, बहुत अच्छा फर्टिलाइज़र होता है। मतलब क्या कि इसको अगर खेती में यूज़ किया जाए तो बहुत अच्छा प्रोडक्शन होगा, लेकिन इधर तो आ नहीं रहा है तो लोग कैसे खेती में यूज़ करेंगे। उसके बाद इसके वजह से और क्या हो जाता है, डैम की वजह से लैंड भी डिग्रेडेट करने लगता है, लैंड की क्वालिटी ख़राब होने लगती है, इधर कोई सेडिमेंट आ नहीं रहा है तो लैंड कहाँ से रिन्यू होगा। इट वॉज ऑल्सो ऑब्जर्व दैट मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट इंड्यूस्ड अर्थक्वेक। अब मल्टीपर्पज़ प्रोजेक्ट की वजह से अर्थक्वेक भी आता है, वाटर बॉर्न डिजीज भी होता है, पेस्ट और पॉल्यूशन भी फैलता है, समझे। अर्थक्वेक कैसे आएगा, इधर ढेर सारा पानी हो गया, इधर अचानक से छोड़ेगा, छोड़ेगा तो गैप बनेगा, गैप बनेगा वहाँ पर एयर का कॉन्ट्रैक्शन होगा, उसके वजह से एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है। और फिर वाटर बॉर्न डिजीज, जमा हुआ पानी जितना दिन तक रखोगे उतना ज़्यादा उसमें बीमारी पनपेगा, ठीक है। और रिजर्वायर में जमा हुआ पानी ही रहता है ना, वो पानी बहता हुआ थोड़ी रहता है, वो जमा हुआ रहता है, इसलिए उसमें वाटर बॉर्न डिजीज़ होता है, पेस्ट पॉल्यूशन ये सारी चीज़ें होती हैं, ठीक है। अभी इसमें इतने ही रहने देते हैं, नेक्स्ट वीडियो में रेन वाटर हार्वेस्टिंग एक बार में पूरा पढ़ा देंगे, ठीक है। मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।